तो जैसा कि अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट चल रहा है, जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 2-3 महीने से इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो मार्केट आज से 2-3 महीने पहले या इस साल की शुरुआत में जैसा मार्केट था, जब बिटकॉइन भी एक अच्छे लेवल पर था और बाकी क्रिप्टो करेंसी भी अच्छे लेवल्स पर थी, अब वो क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो टाइम आया है, ये क्यों आया है, कब तक रहेगा, इस पे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी निकल के आ रही है, वो ये है कि आने वाली 21 जुलाई को एक इवेंट होने वाला है, और इस इवेंट में क्या होगा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और पहले मैं आपको एलन मस्क के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि क्रिप्टो करेंसी के इन्फ्लुएंसर हैं, और उनके साथ होंगे जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी और एलन मस्क डिस्कशन करने वाले हैं बिटकॉइन पे इस इवेंट में, और इस इवेंट में कहीं ना कहीं जैक डॉर्सी के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो वो ट्विटर के सीईओ हैं, और मैं आपको एक बार उनका अकाउंट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये और एलन मस्क, ये दोनों 21 जुलाई को एक इवेंट होने वाला है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, और इस इवेंट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। मैं आपको एक बार न्यूज़ भी दिखाना चाहूँगा। ये तो जैसे कि आप देख सकते हो, एलन मस्क एंड जैक डॉर्सी एग्री टू टॉक अबाउट बिटकॉइन एट एन इवेंट इन जुलाई। तो ये इवेंट होने वाला है 21 जुलाई को, और ये इवेंट बहुत ही ज़रूरी माना जा रहा है, क्योंकि जब कोई दो बिजनेसमैन या बड़े, कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसमें डिस्कशन किया जाता है, इसमें डिस्कस किया जाएगा, बिटकॉइन के ऊपर बात की जाएगी और जो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है उस पर बात होगी, और साथ के साथ इस इवेंट के बाद कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और इस इवेंट के बाद जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसमें थोड़ा सा हमको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये इवेंट एक अहम इवेंट माना जा रहा है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो ये न्यूज़ आपके लिए है, इस न्यूज़ को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, क्योंकि इस इवेंट में जो मेन चीज़ है वो बिटकॉइन है, और बिटकॉइन अगर यहाँ पे बिटकॉइन का लेवल्स अप होते हैं, बिटकॉइन अपनी जो सिचुएशन, जो पोजीशन अभी बना बनी हुई है बिटकॉइन की, अगर वो सुधरती है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के अल्ट कॉइन्स जितने भी हैं, डोज कॉइन जितने भी कॉइन्स हैं, उन पे भी असर पड़ेगा। अगर आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो डोज कॉइन है चाहे शिबा इनू है, तो इस इवेंट के बाद सभी कॉइन्स पे असर पड़ेगा, क्योंकि देखो डोज कॉइन के साथ तो एलन मस्क हैं ही हैं, साथ के साथ शिबा इनू के साथ भी उनका सपोर्ट है, तो ये दो कॉइन्स, और बिटकॉइन पे वैसे डिस्कशन होने वाला है, तो इस इवेंट के बाद कहीं ना कहीं बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अप देखने को मिल सकते हैं, और जैसे जैसे बिटकॉइन की पोजीशन सुधरेगी तो मुझे लगता है कि बाकी के कॉइन्स भी सुधरेंगे जो उनकी पोजीशन है, और यहाँ पे मार्केट हमें थोड़ा अच्छा सा देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसे इवेंट और भी होंगे, क्योंकि अब जो जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी को लोग समझ रहे हैं, जैसे जैसे फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी को माना जा रहा है, और बहुत से लोग एडोप्ट करने लग गए हैं क्रिप्टो करेंसी को, और लीगल टेंडर भी एज ए मानने लग गए हैं, तो ये चीज़ें बहुत एक पॉजिटिव साइन है क्रिप्टो करेंसी के लिए। कहीं ना कहीं जो मार्केट आज से 3-4 महीने पहले एकदम बढ़िया रहता था, आप इतना प्रॉफिट निकाल लेते थे, लेकिन अब वो मार्केट इतना डाउन चल रहा है, कभी कभी क्रैश हो जाता है, तो कभी थोड़ी सी पोजीशन सुधरती है मार्केट की तो फिर वही हाल हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये जो इवेंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी को और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, ठीक है। तो इस इवेंट पे नज़र हमारी भी रहेगी, जो भी अपडेट निकल के आएगा, कुछ भी इस इवेंट से अगर अपडेट आता है तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले ज़रूर मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी न्यूज़, आप पढ़ सकते हो। ट्विटर एंड स्क्वेयर सीईओ जैक डॉर्सी और जो एलन मस्क हैं टेस्ला के सीईओ, उनकी बात होने वाली है दोनों की, और ये बिटकॉइन पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। 21 जुलाई को ये इवेंट होने वाला है, और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, इस इवेंट के बाद कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब देखते हैं इस इवेंट के बाद क्या बड़ा होता है। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना,
आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर न्यूज़ अपडेट के बारे में आपको यहाँ पता चलता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर करना, और आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।